पलवल जिले के गांव भिडुकी के लिए होली का त्यौहार एक अभिशाप बनकर रह गया। गांव भिडुकी के तालाब में डूबकर हुई चार बच्चों की मौत के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। गांव के तालाब में डूबकर हुई चार बच्चों की मौत की खबर जैसे जैसे लोगों को मिल रही है, वैसे ही लोग बच्चे परिजनों को सांत्वना देने के लिए उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। मरने वाले चारों बच्चों में दो सगे भाई तथा दो चचेरे भाई थे। मरने वाले सभी बच्चे स्कूली छात्र थे। गांव में हुई इतनी बड़ी घटना के बाद से बच्चों के परिजन सहित गांव के लोग भी सदमे में हैं। ग्रामीण व परिजन बच्चों के मरने का कारण तालाब में क्षमता से अधिक पानी भरा होना बता रहे हैं। आपको बता दें कि गत शुक्रवार को दुल्हड़ी पर होली खेलने के बाद गांव के सिद्ध बाबा मंदिर के कुंड में नहाने गए चार बच्चों की कुंड में डूबने से मौत हो गई थी। जिन बच्चों की तालाब में डूबने से हुई मौत, उनमें गांव भिडुकी निवासी जगदीश के दोनों पुत्र 14 वर्षीय हर्षित व 12.5 वर्षीय नमन थे, जबकि गांव निवासी मनोज का 15 वर्षीय पुत्र नितिन व उसके भाई सुभाष का 16 वर्षीय पुत्र राज था। गांव में चार बच्चों की तालाब में हुई मौत के बाद गांव में मातम छा गया। आसपास क्षेत्र में चार बच्चों की तालाब में डूबने से हुई मौत की सूचना आग की तरह फैल गई और लोग बच्चों के परिजनों को सांत्वना देने के लिए उनके निवास पर पहुँच गए। विलाप में डूबे मृतक हर्षित व नमन के पिता जगदीश ने बताया कि उनके दो ही पुत्र थे और उन्हें ही भगवान ने छीन लिया। उन्होंने बताया कि हर्षित 8वीं कक्षा में तथा नमन 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उन्होंने बताया कि उनके दोनों बच्चे जहां पढ़ाई में अव्वल आते थे, वहीं हर्षित फरीदाबाद से RMS की कोचिंग ले रहा था। जगदीश ने बताया कि दोनों बच्चों पर उन्हें पूरा अभिमान था। इसके अलावा उनके बच्चों का ध्यान पढ़ाई व कोचिंग पर ही रहता था। मौत से लगभग कुछ देर पहले ही उनके दोनों बेटे हर्षित नमन अपने दोस्तों व हमारे साथ घर के आंगन में होली खेले थे और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ पड़ोस में होली खेलने के लिए चले गए थे। उन्होंने बताया कि वह पहली बार ही मंदिर के तालाब में नहाने के लिए गए थे। उन्हें तैरना नहीं आता था और अधिक पानी होने की वजह से उनकी मौत हो गई। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। डूबने से दर्दनाक मौत हुई है, इसके बारे में क्या क्या कारण रहा है जो बच्चों की मौत हुई? इस पर कल गांव सरपंच का फोन आया था मेरे से 1:30 बजे, भैया से गांव में चार बच्चे तालाब में डूब गए हैं। मैं अपने दोनों गाड़ी लेके मौका पहुँचा तो गाँव के लोग पहले ही ढूंढ रहे थे उस तालाब में बच्चों को। उसके बाद मैंने भी अपने जो गोता फुर्द को बुलाए, लेकिन वो बाद में पहुँचे थे। उससे पहले दो लोग बच्चों को गाँव में निकाल लिए थे और उसके बाद हमने भी कोशिश करी, गाँव में कोशिश करी, दो बच्चे फिर निकाले। तो बच्चों की कितनी उम्र थी? बच्चों की एक बच्चे 14 थे, एक ही 15 थी, ये 15-16 साल के ही थे चारों बच्चे। तो बताया जा रहा है एक परिवार के? हाँ, दो तो सगे भाई थे, 13-14 साल के थे, अपना जगदीश कलर के थे दोनों, और एक उसका भाई का लड़का था। तो आपने क्या कार्रवाई करी? उसके बाद मैं बच्चे निकाल के अपने अस्पताल में ले गए, घरवाले ले गए, एक को हम भी ले गए थे, लेकिन होटल ले गए, होटल वालों में उनकी ट्रीटमेंट करे। उसके बाद पलवल ले गए, पलवल जाके उसने बता दिया इस बार होगा। तो आपने क्या कार्रवाई? उसके बाद में मैंने इस बारे में पहले अपने उच्च अधिकारियों को बताया, सभी को वही हालात हैं भाई, ये अपने पोस्टमार्टम निकालना चाहते, बड़े अंतिम संस्कार कराना चाहते ले जा रहे बच्चों को, तो सब ठीक है। उसके बाद में DSP साहब हमारे हेडक्वार्टर और अपने DSP अटल सज्जन साहब, DSP अपने SDM होटल भी वहाँ गाँव में आ गए थे और गांव के सहयोग से उसका अंतिम संस्कार सुख शांति से करा दिया गया। अब क्या स्थिति बनी है गांव में? सिचुएशन सुख शांति, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल पीसफुल है, ऐसी कोई तनाव नहीं है। बाकी ये दुखद घटना, एक गांव के चार बच्चे एक ही दिन मौत होना, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। परिवार वालों ने कोई शक वगैरह जाहिर किया हो? नहीं, परिवार से कोई किसी पर वो नहीं करा। बाकी कुछ गांव में करे भी तो पानी तालाब में ज़्यादा भरा था, इस कारण बच्चों की मतलब है मौत होगी। गहरा था वो तालाब, कम से कम 30 फुट 35 फुट गहरा है, तो बता रहे 25 फुट पानी उसमें था।